हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ एनके सैनी और आप देख रहे हैं हेल्प एनी टाइम। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आजकल जो हो रहा है उसके बारे में, आजकल किस तरह से लोग अकाउंट को आपके हैक करके और उससे पैसे गायब कर रहे हैं, नया तरीका जो अब आ चुका है बैंक रोबरी का, वो किस प्रकार का आया है और कैसे जो हैकर्स है वो किस प्रकार से आपके अकाउंटों को खाली कर रहे हैं और आपका अकाउंट साफ कर रहे हैं, कैसे आपकी बिना परमिशन के ही, बिना एटीएम कार्ड के ही वो अब आपका अकाउंट खाली कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनके सैनी और आप देख रहे हैं हेल्प एनी टाइप। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे लोग हैक करके अकाउंट से पैसे साफ कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे हो रहा है ये, और ये कहीं आपके साथ भी ना हो जाए, उसके लिए मैं कुछ तरीका आपको बताऊंगा बचने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से हैकर्स इस तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और कुछ अकाउंट से पैसे उन्होंने निकाले भी हैं। तो सबसे पहले हैकर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक घटना में सबसे पहले ले लेता हूँ। हरियाणा के एक शख्स हैं, विक्रम उनका नाम है। तो विक्रम की उम्र 40 साल है और वो लोगों के आधार कार्ड बनाने का काम करते हैं। तो हैकर्स ने क्या किया कि उनकी यूजर आईडी और लॉगिन आईडी का यूज करके, उनका पासवर्ड का यूज करके, जो उदय की, जो कि आधार कार्ड वाली जो गवर्नमेंट की साइट है, उस साइट पे जाकर उनका लॉगिन आईडी से लॉगिन किया। वहां से उन्होंने उनके फिंगरप्रिंट चुराए। फिंगरप्रिंट चुराने के बाद उन्होंने क्या किया कि माइक्रो एटीएम कार्ड से उनके पैसे विड्रॉ कर लिए। तो विड्रॉ करने के बाद विक्रम के पास मैसेज गया कि आपके अकाउंट से 1,000 रुपये विड्रॉ कर लिए गए हैं, जो कि माइक्रो एटीएम से, और दिल्ली की माइक्रो एटीएम से। तो जब ये मैसेज आया तो उन्होंने सोचा कि मैंने पैसे निकाले ही नहीं, तो किस प्रकार से पैसे निकल चुके हैं। तो माइक्रो एटीएम में बेसिकली क्या होता है, उसमें आपको किसी भी प्रकार के पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी प्रकार के पिन की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आप अपने फिंगरप्रिंट, जो कि आपने अपने आधार कार्ड बनाते समय यूज़ किए थे, उन फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करते हुए वहाँ से विड्रॉ किया जा सकता है। तो हैकर्स ने जो विक्रम का वहाँ से फिंगरप्रिंट लिया था, उसी के द्वारा वहां से विड्रॉ किया। और इसी तरह की एक घटना और हुई जिसमें 7,500 रुपये विड्रॉ किए गए थे, लेकिन ये घटना हरियाणा की ना होकर बिहार से थी। तो इस प्रकार से जो हैकर्स है वो अकाउंट साफ कर रहे हैं, कहीं आपका भी अकाउंट खाली ना हो जाए। इसके लिए, इससे बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इससे आप किस प्रकार बच सकते हैं। तो चलिए वो तरीका जान लेते हैं। तो अगर आप भी अपना आधार कार्ड का जो फिंगरप्रिंट है उसे लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो एम आधार को, जो कि ऐप है उदय का, आपको उसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस आ जाएगी, इसको आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर डालने हैं। तो आधार नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं। जब आधार नंबर आप डाल दोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक कर दोगे तो इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ, उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड होगा। और अगर वो जो इस फ़ोन में ही आपका ओटीपी के लिए वो मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, तो वो ऑटोमेटिक ही आपका जो है ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी सी देर प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आधार कार्ड जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुझे अपने पासवर्ड डालने पड़ेंगे, जो कि मैंने पहले यहाँ पर सेट किए थे। तो मैंने पासवर्ड डाल के जब ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा आधार कार्ड ओपन हो चुका है। जब आधार कार्ड ओपन हो जाए, इसके बाद आपको आधार कार्ड के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड डालने होंगे।
पासवर्ड डालने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप अपना पूरा का पूरा आधार कार्ड देख सकते हैं जो कि फ्रंट और बैक साइड दोनों व्यू आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नीचे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बायोमेट्रिक लॉक्ड क्लिक टू अनलॉक। तो यहाँ पर मैंने अपना बायोमेट्रिक को लॉक किया हुआ है। अगर आपने अनलॉक किया हुआ है, अगर आपका बायोमेट्रिक अनलॉक है, तो आपको इसके ऊपर टैप करके और उसे लॉक कर देना है। आपको सिंपली एक क्लिक करना है। क्लिक करने के 10 मिनट बाद आपका जो बायोमेट्रिक है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर लॉक दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने लॉक नहीं किया होगा तो ये लॉक ओपन होगा। तो इस प्रकार से आप अपना बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं और जो हैकिंग है उससे आप बच सकते हैं। जो ट्राई है उसने यहाँ पर हर डीटीएच की जो कंपनी है उसके ऊपर तंज कसते हुए यहाँ पर नए नियम निकाले हैं जो कि 1 फरवरी यानी कि आज से लागू हो गए हैं। इसमें क्या होगा कि आप जो भी डीटीएच यूज़ कर रहे हो, चाहे वो डिश टीवी हो, टाटा स्काई हो, एयरटेल टीवी हो या कोई अन्य नेटवर्क की हो, तो उसमें आपको 100 चैनल सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने हिसाब से और उसका आपको एक अपना पैक बनाना होगा। उस पैक में आप 100 चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपको वो पे करना होगा। कंपनीज क्या करती हैं कि आपको जो चैनल नहीं देखने होते हैं उनको भी वहाँ पर पैक में डाल देती है और अपनी मर्जी से वो पैक बनाती है, और जो पैक्स हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इस तरह से ट्राई ने यहाँ पर नया नियम निकाला है, उसमें आप अपने हिसाब से 100 चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं और मंथली या एनुअल उसमें पे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, काफ़ी अच्छी ये जो ट्राई ने नियम निकाला है। यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि जो एम सीरीज है सैमसंग की, यहाँ सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20 का नया अपडेट आ चुका है। सेम मोबाइल से उसने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20 है उसका जो है एक नया अपडेट आ चुका है, जो कि सैमसंग का M10 है वो लगभग 75 MB का अपडेट है और जो M20 है उसका लगभग 102 MB का जो है अपडेट आया है। जिन लोगों के पास रिव्यू के लिए फ़ोन है उनका कहना है कि इससे फ़ोन की परफॉर्मेंस बेटर हुई है पहले से। सैमसंग का M10 और M20 है वो 5 फरवरी को आपको सेल में मिल जाएगा, जो कि एक्सक्लूसिव बाय अमेजन है। अमेजन की साइट पे आपको मिल जाएगा। 5 तारीख से इसकी सेल स्टार्ट हो रही है, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।